निमाबर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी शर्मा कक्का जी के नेतृत्व में WTO विश्व व्यापार संगठन का पुतला जलाया गया। बैठक का आयोजन जाट समाज धर्मशाला निमाबर में किया गया, जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। महासंघ का अगला अधिवेशन नर्मदापुरम में दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में होगा। कक्का जी ने कहा कि जब तक भारत WTO से बाहर नहीं आ जाता, भारत के किसान समृद्ध नहीं हो पाएंगे। चाहे सरकारें किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही हों, लेकिन हकीकत में किसानों की आय पहले की तुलना में आधी से भी कम हो गई है। जानकारी और जिसकी सहमति हमारे लोगों से भी लेना आवश्यक है। ये तो संक्रांत की फिर जब हम अनुभव करेंगे अधिवेशन, तो उसकी तैयारियां, स्थान है, जगह है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं विस्तार से होगी। WTO की चूंकि आज बैठक हो रही है स्विट्जरलैंड में, मंत्री स्तरीय बैठक है, 12वीं बैठक है, और 12 तारीख को चूंकि 13 या देखिए 18 मह का कोरोना काल, 378 दिन का हमारा आंदोलन, लगभग 2 वर्ष के बाद ये हमारी बैठक यहाँ रखी गई। बैठक का ज़्यादा बड़ा उद्देश्य संगठनात्मक है, आंदोलनों की है, पर सबसे पहले ये हमारी वार्षिक मेंबरशिप होती है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अधिवेशन का स्थान हमको तय किया जिला होशंगाबाद, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये अधिवेशन होगा। भारत के 16 राज्यों से अतिथि रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।